व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? अब आप एक इमेज लीजिए और उसको जूम करते चले जाइए। एक इमेज को जितना जूम करना करिए, आखिरी समय पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको ब्लॉक दिखने लगेंगे। उसके अलावा उसके अंदर आप नहीं जा पाएंगे, वो हाईएस्ट लेवल है। तो ये जो ब्लॉक आपको दिखता है ना, उसे हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल को हम कहेंगे कि ये सबसे छोटा, जहां पर हमको जानकारी मिलती है, चाहे इमेज हो रास्टर मैप हो। तो नॉर्मली हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप में देखते हैं, और अगर आप इसको सेल भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेल होते हैं। ऐसे मैं दिखाता हूं आपको, यहां देखिएगा आप, ये जो इसमें क्या हो रहा है, एक एक एरिया है, उसमें जिस तरीके से सेल चेंज हो रहे हैं या उसकी कलर चेंज हो रही है, उस हिसाब से आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हो नहीं रहा है इसमें, ये आदमी चल नहीं रहा है। बस ये पिक्सल की जो अलग अलग कंडीशन है और उनके कलर है, वो चेंज हो रहे हैं। तो एक डिजिटल इमेज में या ग्राफिक में अगर आप देखें तो पिक्सल के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि जो भी डिवाइस है, चाहे आपका कोई भी TFT ले लें, या आपका आप कोई भी जैसे CRT ही ले लें, कोई भी पैनल डिस्प्ले ले लें, तो जो जितने भी डिस्प्ले हैं, चाहे आप मोबाइल का ले लें, आपके एमोलेड वगैरह ले लें, जो भी डिस्प्ले हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल से तो शुरू करेंगे। तो जो बेसिक लेवल है किसी भी डिजिटल ग्राफिक्स का, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो चाहे आपको कोई इमेज दिखानी हो, वीडियो दिखाना हो, या अक्षर दिखाने हो, वो सब आपके पिक्सल से शुरू होते हैं। पिक्सल का बेसिकली आया कहाँ से है? ये PI जो आया है, PIX बेसिकली, ये पिक्चर से आया है, और EN से आया है एलिमेंट। तो एक पिक्चर का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो पिक्सल को और समझने के लिए, एक पिक्चर एलिमेंट जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये एक पिक्चर है। अब इसको अगर मैं जूम करूंगा, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि इसको जितना जूम करेंगे, आखिरी लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे, तो आप देखेंगे एक पिक्सल पे व्हाइट कलर है, एक पिक्सल पे येलो है, एक पिक्चर पे कुछ और कलर है, और ये पिक्सल मिलके जब मिल जाते हैं और आप ऐसे देखते हैं, तो आपको ये एक एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो दिखता है। तो फोटोग्राफ हो, किसी भी डिजिटल फॉर्म में आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पिक्सल्स दिखाई देंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और खासतौर पर आप देखेंगे तो ये एक 2D ग्रिड में, मतलब रो और कॉलम वाइज आप देखेंगे इस तरीके से ग्रिड वाइज होते हैं और सबसे छोटे लेवल पे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप जूम मतलब बाहर की तरफ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक इमेज का फॉर्म लेने लगे। अंदर जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि एक्चुअल इमेज दिखाई देने लगेगी, कि जो आपने एक्चुअल खींची है। बेसिकली आपने खींची कुछ नहीं है, आपने अलग अलग पिक्सल पे रंग भर दिए। तो